हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। सबसे पहले आज के एनालिसिस का रिव्यू करते हैं, फिर कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। कल मंथली एक्सपायरी का दिन है तो काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट हो सकता है। तो आज है तारीख 26 मई। ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था आज। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 15,245 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 15,170। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स ब्रेकआउट लेवल के पास ही ओपन हुआ, यहाँ से टूवर्ड्स साउथ की तरफ आया, लेकिन ये जो मूविंग एवरेजेस क्लब हो रहे थे इसके आसपास इसने सपोर्ट टेस्ट किया और बाउंस बैक हुआ। शुरू में तो कुछ देर यहाँ पर एक हल्का सा रेजिस्टेंस फेस किया ब्रेकआउट लेवल के पास। जैसे ही ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट 15,261, सेकेंड टारगेट 279, दोनों भी अचीव हुए। इसी लेवल के आसपास ये पूरा दिन बाद में सपोर्ट टेस्ट कर रहा था। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स फिर से एक बार काफ़ी एक्यूरेट साबित हुए। तो ये निफ्टी के लेवल्स है आज के लिए। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। 60 मिनट के चार्ट में जाना होगा, लेकिन उससे पहले एक बार डेली चार्ट को देख लेते हैं। डेली चार्ट में कंटिन्यूस हायर हाई हायर लोस के पैटर्न बन रहे हैं, यानी प्रीवियस कैंडल का हाई और लो के ऊपर नेक्स्ट कैंडल का हाई और लो बन रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पैटर्न है कैंडलस्टिक का, या फिर कहे तो लाइन चार्ट का, या फिर कहे तो बार चार्ट का। जब भी ये ऐसे हायर आए हायर लोस का पैटर्न बनता है, तभी एक ट्रेंड अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। तो कल हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स को ड्रॉ किया था। यहाँ पर एक और फिबोनाची लेवल को हम ऐड कर देते, 76.4। तो जैसे कि आप देख पा रहे, एग्जैक्ट इसी लेवल के पास आज क्लोज हुआ है। तो और ऊपर जाते वक्त कहीं ना कहीं ये जो ऑल टाइम यहाँ पर ये लेवल है 15,300-350 के पास, हो सकता है इस लेवल के पास ये रेजिस्टेंस फेस करे। तो इस लेवल को जब तक ब्रेक ना करे तो ओवरनाइट यहाँ से पोजीशन कैरी करना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। तो वेट करे, 15,350 अगर कंफर्टेबली ब्रेक होता है, सस्टेन होता है उसके ऊपर, तो ही यहाँ से हम ओवरनाइट पोजीशन यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। तो ये डेली चार्ट का सिनारियो है, काफ़ी बुलिश पैटर्न इस समय बनते हुए नज़र आ रहा है। कल एक्सपायरी है, हो सकता है निफ्टी काफ़ी जिगजैग मूव दिखाए और लास्ट जो सेकेंड हाफ बचता है उसमें एक हमें रैली देखने को मिले। तो कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं 60 मिनट के चार्ट में आइडेंटिफाई करते हैं। अभी कल हमने 60 मिनट के चार्ट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था, ठीक है। तो 23.6% के आसपास ये फ्राइडे के दिन, यानी सॉरी मंडे के दिन यहाँ पर ये क्लोज हुआ था। तो ये लेवल्स ऐसे जो होते हैं, यहाँ से हो सकता है ट्रेंड रिवर्सल दिखाई दे। तो आज फिर से यहाँ से बाउंस बैक होके इस लेवल से ये बाउंस बैक हुआ है। तो हमें यहाँ पर स्विंग लो, स्विंग हाई और स्विंग लो मिल रहा है। तो अगर हम इसको पकड़ के फिबोनाची एक्सटेंशन को ड्रॉ करें तो 38.2% का ये जो लेवल है आज हाई, निफ्टी का हाई 15,319 ही है। आप यहाँ देख सकते हैं 15,319 के आसपास निफ्टी ने हाई बनाया। तो इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करे आर्ली चार्ट में, तो हमें 15,367 और नेक्स्ट उसके बाद 15,416 के लेवल्स एज पर आर्ली चार्ट हमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इसके लिए हमारा कल के लिए होगा ब्रेकआउट लेवल 15,323, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। और इसके ऊपर सस्टेन करे तो फर्स्ट टारगेट होगा 15,343, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 15,366, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स साउथ की तरफ आता है तो ये जो स्विंग हाई बना है यहाँ पर मंडे के दिन, वो हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा 15,281, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। और इसके नीचे सस्टेन करे तो फर्स्ट टारगेट 15,261, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा जस्ट 20 AM के आसपास, यानी 15,240, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल से कल के लिए, यानी 27 मई के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का भी अगर 5 मिनट का चार्ट देखें तो कल जो हमने टारगेट लेवल्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स मार्क किए थे, यहाँ पर ये एग्जैक्ट बैंक निफ्टी ने भी
ये देख सकते हैं आप, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस फेस किया फर्स्ट टारगेट के लेवल के पास, और जब भी ये नीचे आ रहा था मूविंग एवरेजेस ब्रेकआउट लेवल के पास ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखा रहा था। शुरू में भी इसने ज़बरदस्त ब्रेकडाउन लेवल के आसपास भी एक सपोर्ट दे के बाउंस बैक दिखाया, तो लेवल काफ़ी एक्यूरेट साबित हुए। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके लिए 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। ये 60 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी अगर आज का डे हाई अगर ब्रेक करता है यानी 34,894 तो ही इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 34,990, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 35,99, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूअर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज का लोएस्ट क्लोजिंग लेवल आर्ली चार्ट में जो कि 34,585 है, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। इसके नीचे आता है तो फर्स्ट टारगेट 34,511, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 34,423, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।